पावन भूमि पर एक महात्मा जी ने तपस्या की। तपस्या में फल को पा लिया कि अमर होकर के मैं क्या करूंगा, न हो तो इस फल को मैं महाराज भट्टी के यहाँ भेंट कर दूं। इसी बीच आपके जाने पहचाने जो देश विदेशों में नाम है, श्रीमान हमारे रोहतास पंडित जी जनूथर भटपुर राजस्थान से सभी गायकों का सम्मान कर रहे हैं, 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद मिल रहा है। ऋषि राज ने करी तपस्या, एक अमर फल को पाया, जिसकी भेंट चढ़ाने को दर पार में राजा के आया, जिसकी भेंट चढ़ाने को। भैया जी विचार कीजिए, आज महात्मा जी अमर फल को लेकर के महाराज भट्टी के दरबार में पहुंच गए। अमर फल महात्मा जी ने राजा भट्टी के हाथों में दे दिया, राजा भट्टी ने अमर फल को हाथ में ले लिया। महाराज भट्टी कह रहे अमर होकर के मैं क्या करूंगा, मेरे प्राणों से प्यारी मेरी रानी पिंगला है, या भले मैं रानी पिंगला को गा दूं तो मेरी रानी पिंगला अमर हो जाएगी। महाराज भट्टी ने विध्वंस होता हो वो अमर फल रानी पिंगला के हाथों में दे दिया। रानी पिंगला बोले कोतवाल से प्रेम करती है, कोतवाल को बुला लिया, ले कोतवाल या फले तू खा ले, तेरो मेरो प्रेम अमर हो जाएगा। रानी पिंगला ने वो अमर फल कोतवाल के हाथों में दे दिया। कोतवाल उससे डबल निकला, एक वैश्या से प्रेम करता था वो कोतवाल, फल को लेकर के वैश्या के पास पहुंच गया और विध्वंस होता वैश्या ने अमर फल को हाथ में ले लिया और वैश्या कह रही है न जाने मैंने शरीर से आज से अब तक कितना पाप किया, कितना गिनोरा कार्य किया, फल को खा करके तो मैं अमर हो जाऊंगी। तो वैश्या क्या कह रही है मासा, जैसे महाराज भट्टी का दरबार लगा था, महाराज भट्टी ने नजर गई उस वैश्या पर, महाराज भट्टी कह रहे ये अमर फल, तो महाराज भट्टी क्या कह रहे हैं।
खड़ी हो गई, एक ही बात को कह रही है। क्या कह रही है? बोले राजा सच बतला दे, फलकों कहां से लाई है? फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं, तेरी आफत आई है। घबरा करके वैश्या बोली, राजन तेरी दुहाई है। कोतवाल ने फल को दीना सारी बात बताई है। कोतवाल ने फल को दीना वैश्या ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत तो यह है कि मेरे लिए जी अमर फल जो तुम्हारा कोतवाल ना है, जो मेन गेट पे खड़ा रहता है, उसने दिया है। महाराज भर्ती करे वा कोतवाल को बुलाओ। आज्ञा दीनी मही पालन, कोतवाल को बुलवाया। सच बतला दे ए जवान, इस फल को तू नीचे डाल ली। महाराज भट्टी कह रहे कोतवाल, मैं तुझसे पूछता हूं, ये बता ये फल तेरे पास कहां से आया? कोतवाल हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत तो यह है कि मेरे लिए जे अमर फल वो तुम्हारी रानी पिंगला ना आए पानी दो। महाराज भट्टी कह रहे कोतवाल, तू अपनी जवान पर लगाम रख, तू जानता है तू किसका नाम ले रहा है? कि हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूं झूठ बोलने वाले के लिए आपके दरबार में क्या सजा दी जाती है, पर महाराज मैं सही कह रहा हूं, मेरे लिए जो अमर फल वो तुम्हारी रानी ना है पिंगला पानी दो। महाराज भट्टी उसी समय महलों में चले गए। विद्वान श्रोताओ, महाराज भट्टी ने ये कई बात कही है, हे रानी पिंगला, रानी ये बता दे तू मुझसे कितना प्रेम करती है। विद्वान श्रोताओ, बड़े रहस्य की बात है, बात तो चल रही है फल की, यह प्रेम कहां से आ गया? पर महाराज भट्टी का पूछने का मकसद था, ये बता तू मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगला कह रही है, महाराज आज आपको हो क्या गया है? महाराज भट्टी कह रहे, मुए कछुना भयो, तू तो ये बता दे मुझसे कितना प्रेम करती है। रानी पिंगला कह रही है, महाराज आप प्रेम की बात कर रहे हैं मुझसे, ये जीवन भी आपका है। रानी पिंगला अपने पति देव महाराज भट्टी से कह रही है, महाराज ये जीवन भी आपका है, ये शरीर भी आपका है, और अग्नि को साक्षी मान के मैंने साथ फेरे लिए थे, जीने का मरने का वचन दिया था। और महाराज प्रेम तो एक छोटी सी चीज है, तुम्हारो यहां पसीना नहीं गिरेगा, मैं मां खून बह दूं। महाराज भट्टी खून फूक के छोड़ दे। महाराज भट्टी कह रहे, हे रानी खून फूक छोड़ दे, मेरी जान खतरे में है, मैंने तुझे कुछ समय पहले एक अमर फल दिया था, वह फल में तो तू थोड़ा सा टुकड़ा खिला दिया। महाराज भट्टी अपनी घरवाली के सामने रो रहे और कथा क्या मोड़ ले रही है।
राजन तेरे सर की कसम, मैंने फल को खा लिया, रत्ती भर ये बच्चा नहीं। महाराज भट्टी ने कह दिया, धन्य मेरे प्राणों से प्यारी रानी, मैं
अपने दिल का टुकड़ा समझता था, पर तू मुझे छोड़कर कैसे जा रही है, क्या लगा के मार चली, और कभी राजी ख्याल करे था। अपनी धर्मपत्नी समझता था, तुझसे बढ़िया तो कोठे पे बैठने वाली वैश्या है जो सारा दिन भगवान का भजन करती थी। कोई आएगा इस पेट का पालन होगा। महाराज भट्टी क्या कह रहे मासा, जंगल में अग्नि लगी हुई है, बारी बारी से सभी भक्ति वाले उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नजारे को एक चिड़िया कर रही है। सिंह जी तालाब के अंदर जाती है, जितना जिसकी चोंच में पानी आता है ना उतना पानी तालाब से ला करके काका जी वो चिड़िया अग्नि के ऊपर डाल रही है। मेरा कहने का मकसद क्या है, अग्नि के ऊपर डाल रही है। और इसी बीच एक से एक रुपए का पुरस्कार, श्रीमान हमारे काका जी श्रीमान श्यामलाल सरपंच साहब, उप सरपंच साहब गांव जन खरेरा बताए को कौन सो, चलो कोई बात ना है। चाचा जी चिड़िया तालाब में जा रही है, जितना जिसकी चोंच में पानी आता है उतना पानी तालाब से ला करके अग्नि के ऊपर डाल रही है। देखने वाले साहिबान ने देख लिया और चिड़िया से पूछा, ए चिड़िया ये बता ये अग्नि जल रही है, बस्ती वाले सभी व्यक्ति इस अग्नि को बुझा रहे, आप तालाब में जाती हैं, तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है, क्या इस थोड़े से पानी से ये अग्नि बुझ सकती है। चिड़िया ने जवाब दिया, काका जी अग्नि बुझे या ना बुझे मैं ये नहीं जानती, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। यही बात है महाराज भट्टी कह रहे हैं। क्या कह रहे भैया, और देखो गाने में मनोरंजन के गाओ, अब मनोरंजन से भरपूर गाना। एक बार पार्वती मैया भोले बाबा से कह रही है, प्रभु आपके यहाँ रहते रहते मेरा जीवन बीत गया, आपने मेरे कहने से कोई कार्य ना करो, पर प्रभु अब तो कर दो को बोलिया तुम्हें। पार्वती मैया भोले बाबा से कह रही है और भोले बाबा कह रहे, पार्वती ये बता घर भी तेरा तू क्या करवाना चाहती है। तो हाथ जोड़ के पार्वती मैया भोले बाबा सामी ठाड़ी है गई और एक बात कह रही है, गौरव फोदार अरे भोला छोटी सी कथा कराए दे,
जामे रडुआ न कूनो तिज मारे रडुआ न कूनो तिज दक्षिणा में इनके काजी ये कहिए कबैया रे
टॉप लगे भाईली जा कला कांडपुर वैसी भैया
नहीं भैया रे रह गए ओ डमरू। अरे जैसी हड्डी वैसी भैया रह गए ओ डमरू। बारो है असली अंग की नारी को जान रहे हो जग सारो है लखन कहे जे पर के वारो। कवि श्रीमान लखन सिंसनवार बड़का वाले लिख रहे और वह हड्डी के बारे में बताई कैसी नारी हड्डी की माशाल्लाह। भाई अरे बानी अपन आदमी देखेगी भाई ना सुनने। ए टिंकू के पापा मैं काज 5000 रुपया इंतजाम कर दियो। भाई तू का करे 5000 ना भाई करवा चौथ पास ही रह के चालनी में मोह देखे तुम्हारी उम्र बढ़ाए दूंगी। विद्वान श्रोता हो तुम ही सोचो इन बाजरे कुताई ने पैसा देगो क्या समर के पैसा ने देगो। 5000 रुपया दसकी ब्याज पे लेके आवे प्यारो एक गरीब मांस तो भाई उम्र बढ़ेगी क्या घटेगी विचार करियो। अरे खामे जाने पति की बे करवा चौथ मनाई रही है सासु पे पाम कबू ना लागे के लाए पूजन जाए रही है जाने छलिया पाखंडी नकु जाए के हाथ तो दिखाई रही है। एक मांगने वाला घर पे आ जाए नेक कह दिए बाने कही अम्मा तेरे घर में कलिए सुधी से हाँ देखियो मैं आते ही देखा का कह रही है। अरे तुम एक बात है समझो जब वो तुम्हारे ही घर पे मांगे भी आयो वो अपनी रेखा ना देख सके तो तुम्हारी रेखा का देखे जाने छलिया पाखंडी नकु चाय के हाथ तो दिखाई रही है दूध काढ़ रही चलनी में करम नकु दोष लगाई रही है करम नकु दोष लगाई रही है। ओ मास्टर असली अंग की नारी साहस देखो नारी का नारी की अमर कहानी है यमदूतों से पति छुड़ाया पातन उनकी मानी है संगपति के सती हो गई मेहमा बेदब खानी है अंग्रेजों से लोहा ले गई झांसी वाली रानी है झांसी वाली रानी है। समय पूरो बोलिए।